हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का घरेलू गुलाटी के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि शराबी व्यक्ति की शराब छुड़वाने का नुस्खा आप कैसे घर पर तैयार कर सकते हैं और उसे तैयार करने का तरीका क्या है। दोस्तों हम हर रोज हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लेकर आते हैं और इसीलिए आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे नुस्खे को सहारें, इसका उपयोग भी करें और लोगों तक जरूर शेयर करें। शेयर के बटन दबाकर लोगों तक भेजें। इसके साथ साथ वीडियो अगर आपने देखना शुरू कर दिया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करने से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। दोस्तों सौंफ आपके घर पर होती होगी या फिर आप बाजार से 100 ग्राम सौंफ लेकर आइएगा। मैं आपको बताता हूँ विधि क्या है। देखिए ये सौंफ है, आपको इस सौंफ को अच्छे से साफ कर लेना और 100 ग्राम सौंफ का आपको प्रयोग करना है। इसके बाद आपको सौंफ के बाद यह अजवाइन, जो कि आपको किराने की दुकान पर बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तो सौंफ और अजवाइन दोनों का प्रयोग आपको करना है। तीसरी चीज है नमक, यह है कॉमन सोल्ट, घर पर उपयोग होने वाला, लेकिन आपको जो नमक यूज करना है वो सेंधा नमक है। और इसके आखिरी में आपको जो उपयोग करना है वो है आपका नींबू। नींबू को मैं काट लेता हूँ ताकि ये दो टुकड़ों में हो जाएगा तो इसका उपयोग करना आसान रहेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसका प्रयोग करना है और प्रयोग करने की विधि क्या है। तो इसको प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो हमारा अजवाइन है इस अजवाइन का चूर्ण बना लेना। मैंने चूर्ण नहीं बनाया, लेकिन आपको इसको पीसना है। आप मिक्सी का उपयोग करके दोनों को एक साथ पीस लीजिएगा। पीसने के बाद आपको इसमें नमक मिलाना है। नमक की मात्रा वही 3 ग्राम समथिंग एक चुटकी पर, लेकिन नमक आपको जो मिलाना है वो सेंधा नमक होगा, वो आप मिला लीजिएगा इसमें। इसको मिलाने के बाद क्या करना है, नींबू जो है नींबू को आपको इसमें निचो देना है। ये आप देख सकते हैं नींबू है, और नींबू इसमें अच्छे से डाल देते हैं ताकि आपकी जो दवाई है वो घर पर ही तैयार हो जाए। जो व्यक्ति शराब पीता है, अगर उस व्यक्ति को इसका हम सेवन करवाएंगे तो वो शराब जरूर छोड़ेगा, इसकी मैं उम्मीद और आशा दोनों ही करता हूँ। आप वीडियो को प्लीज लाइक करिए। ये हमने इसमें नींबू मिला लिया एक मात्रा में, और मिलाने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप याद रखिएगा आपको मिक्स में इसको पाउडर बना के ही इसका उपयोग करना है, तीनों चारों चीजों का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके घर में तवा होगा ही, आप गैस बनना स्टार्ट करिए और तवे के ऊपर से पहले का हमारा एक चूर्ण रखा था उसी में हमें इसे मिला लेना। जैसे मिला लिया, इसको रात भर आपको पहले सेकने से पहले याद रखिएगा रात भर आपको छत पे रखना है, खुले बीकर में, खुले बर्तन में, ताकि इसको रात में अपने आपको सोखने का समय मिले नींबू को इसको। इसके बाद इसको अच्छे से सेक लेना है, ये आपका पाउडर बनकर होगा तैयार। अब इसको आप पानी में मिलाकर भी खिला सकते हैं, छोटी छोटी गोलियां मिलाकर भी सेवन करवा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो खाने में मिलाकर छोटा छोटा पाउडर दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।